हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई कैट 2020 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जी हाँ गाइस, बिहार आईटीआई 2020 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है रिलीज हो चुका है, यानी कि आपका काउंसलिंग कब कंडक्ट किया जाएगा, कौन सी डेट पर काउंसलिंग जो है आपका स्टार्ट होगा, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन केस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है गाइस, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है काउंसलिंग की डेट्स जानना शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता ताकि आप लोगों की जो विजिबिलिटी बढ़ जाए। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर हेडिंग में दिखाई देगा बिहार आईटीआई कैट एडमिशन 2020 काउंसलिंग फ्रॉम 15th जनवरी। यानी कि गाइस, आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ भी आप देख सकते हैं शेड्यूल रिलीज हो चुका है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आप लोगों को जो है काउंसलिंग के डेट्स के रिगार्डिंग अपडेट कर पाए कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है बिहार आईटीआई कैट का, वो गाइस 15 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप लोग जो है पहले से अलर्ट रह पाए काउंसलिंग के, और आसानी से जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो 15 जनवरी को, तो आसानी से काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाए। अब गाइस, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको एक और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाए, जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और जो किस तरह से अप्लाई करना वो भी बता दिया जाए, और साथ ही साथ बिहार आईटीआई कैट की हर छोटी से छोटी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।